और वी द पीपल, अभी जो जनगणना होने वाली है उसकी चर्चाएं काफी जोर शोर से हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनगणना में बुद्धिस्ट लिखवाना चाहिए, जो लोग अंबेडकरवादी हैं या जो लोग बुद्धिस्ट हैं या जो समण हैं लिखवाना चाहिए अगर वहां लिखा जा रहा है। मगर जो बात सामने आ रही है और जो पर्चा आया है जो बनके, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि तीन जो नाम हैं उनके आगे जाति लिखवाना जरूरी है। अगर सिख है कोई तो उसमें जाति लिखवाना जरूरी है, कोई अगर हिंदू के नाम से तो उसको जाति लिखवाना जरूरी है, और कोई अगर बुद्धिस्ट लिखवाना चाहता है तो उसमें जाति लिखवाना जरूरी है। सिख की और हिंदू की तो सिख जाने और हिंदू जाने, मगर बुद्धिस्ट से मेरा बड़ा गहरा संबंध है क्योंकि मैं तो पैदाइशी बुद्ध का अनुयायी या बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हम लोग रहे हैं और सारे समण हैं, और पूरा भारत ही लगभग ईरान से लेके अफगानिस्तान सारा और बर्मा तक जितना भी है वो सारा का सारा बुद्ध की फिलॉसफी पर रहा है। और तब रहा है जब यहाँ ना ईसाई की फिलॉसफी थी, ना सिख की फिलॉसफी थी, और ना ही यहाँ मुस्लिम की कोई फिलॉसफी थी, और ना ही किसी संत पुरुष की कोई फिलॉसफी थी। सबसे पुरानी बुद्ध की फिलॉसफी है। तो बुद्ध की फिलॉसफी के अंदर कास्ट नहीं होती, क्योंकि कास्ट जो बनी है वो अभी बनी है 200 300 400 साल पहले तक। बुद्ध के समय में कोई कास्ट नहीं थी। मैंने कई बार वीडियो बना के बताया भी है, दो नाम आते हैं, उपाली नाई और सुनित भंगी। सुनित भंगी का मैंने वीडियो बनाया है, भंग जो करता है अपने राग को और द्वेष को उसको भंगी बोलते हैं, बुद्ध भी भंगी थे। और जो उपाली नाई है वो दरअसल एक नाम है, क्योंकि जो केस काटने वाला है उसको केस कप्पक बोलते हैं और केस कप्पन बोलते हैं केस काटने की प्रक्रिया को, वो हमारा फेस्टिवल भी है। इसके अलावा बुद्ध के साहित्य में कोई तीसरा नाम जाति में से जो मैच करता हो वो नहीं मिलता, यानी कोई जाति का नाम है नहीं और बात तक भी नहीं है, तो जातियों के नाम नहीं मिलते। अशोक के शिलालेख में भी कोई जातियों के नाम नहीं मिलते, होते तो मिलते ना, इसमें है नहीं। तो बुद्ध यानी जो बुद्धिस्ट है, जो धम्मिक है, यानी जो हम लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, 110, 115, 120, 122 भी करोड़ भी हो सकते हैं। तो इतने सारे लोगों की जाति तो अब बनी है, और धम्म हमारा यानी बुद्धिस्ट जिसको आज कहते हैं वो हम धम्मिक पहले से रहे हैं, तो तब जाति नहीं थी, अब जाति लिखाने की बाध्यता है। अगर जाति लिखी जाती है तो धम्म खत्म हो जाता है, फिर आप बुद्धिस्ट नहीं हैं, और अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो जाति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपके आगे कुआ है और पीछे खाई है, यानी आप आगे कुआ और पीछे खाई में जा रहे हैं। तो आपके लिए बड़ी अजीब सिचुएशन है कि आपके आगे कुआ और पीछे खाई है, यानी आप अगर बुद्धिस्ट लिखवाते हैं तो आपको कास्ट में जाना पड़ेगा, अगर आप बुद्धिस्ट नहीं लिखवाते हैं तो भी आपको कास्ट में जाना पड़ेगा, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि जो पर्चा है वो आपने नहीं बनाया, यानी जो जनगणना का जो पत्र है जिसमें जनगणना दर्ज होगी वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बना, वो किसी ने आपसे नहीं पूछा कि इसमें बुद्धिस्ट के अंदर जाति होती है या नहीं होती है। और जिनको जातियां बुद्धिस्ट में डालनी हैं, जैसे इस्लाम के अंदर जातियां नहीं होती, मगर भारत में जो इस्लाम है वो जातियों वाला है, सिखी के अंदर सिखिज्म के अंदर जातियां नहीं होती, मगर भारत में जो सिखिज्म है उसमें जातियां हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइत है, उसके अंदर जातियां नहीं होती और भारत के अंदर उसके अंदर जातियां हैं। ये जातियां दरअसल भारत को कमज़ोर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए निर्मित हुई हैं और की जाती हैं, इसलिए जो लोग भारत को कमज़ोर और बेकार करना चाहते हैं वो इन जातियों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जाति लेके घूमते हैं और दूसरे की जाति जबरदस्ती कहते हैं कि तुम्हारी ये जाति है। जब आप धम्मिक हैं और पूरे त्रिपिटक में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति धम्मिक होगा
बुद्धिस्ट होगा, बुद्ध का फॉलोअर होगा, बुद्ध का अनुयायी होगा, तो उसकी जात नहीं होती। बुद्ध की जात आप बताइए क्या है? बुद्ध की जात नहीं बता सकते। बहुत सारे बेवकूफ लोग कहेंगे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का उन्हें अर्थ ही नहीं पता, मतलब ही नहीं पता। बुद्ध खेतिये हैं, खेत में काम करते थे। इतिहास में दर्ज है कि 11वें साल में वप मंगल उत्सव जब हो रहा था, वप मंगल उत्सव यानी कि बीज बोने का उत्सव जो आज भी चलता है, तो बीज बोने का उत्सव रहा है, धान बोने का उत्सव रहा है, तो वप मंगल उत्सव आता है। तो वप मंगल उत्सव में बुद्ध के पिता के जो खेत हैं उनमें 1000 हल चलते हैं, किताब में लिखा हुआ है। तो वहाँ वो जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान साधना करते हैं, विपस्सना करते हैं, जो बाद में उन्हें रिकॉल होती है। तब तक जो क्षेत्र में 6 शब्द होता है, क्षत्रिय में जो 6 शब्द होता है वो है ही नहीं पाली के अंदर पुराने समय में, क्योंकि जो 6 बनता है वो आधे के और आधे शे से बनता है, और 6 शब्द पाली में पुरानी भाषा में बुद्ध की भाषा में, बुद्ध के समय की भाषा में है ही नहीं, 6 शब्द ही नहीं है। इसलिए श्री नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल नहीं है तो क्षेत्रीय भी नहीं है। हाँ खेत है तो खेतियाँ हैं, तो वो खेतियाँ हैं। तो कोई कह सकता है कि हम क्षेत्रफल की बात नहीं करते, हम खेती की बात नहीं करें, हम तो छत्री की बात करें, छत्र की बात कर रहे हैं। तो छत्र उसको बोलते हैं जो छत होती है, यानी छत को बाद में छत्र किया गया है। तो हर व्यक्ति जिसके सर के ऊपर छत है वो क्षत्रिय है, बाद में उसको क्षत्रिय बोला जा सकता है। कुछ लोग जो छत पड़ी होती है उसको कागज की बना के आज के समय, या उस समय कपड़े की बना के, या उस समय पत्ते की बनाकर ढकते थे, चलते थे तो धूप से बचने के लिए, तो कहते थे ये भी छत है, क्योंकि जो सर के ऊपर आ जाए वो छत है। तो वो क्षत्रिय लोग हो गए, जो क्षेत्रीय हैं वो खेत वाले हो गए, और जो खेती हैं वो तो खेत वाले हैं। तो बुद्ध खेतिय थे क्योंकि उनके पास खेत थे, और जब बाद में खेत को खे को आधे कह और खै को शह में बदला गया, छह में बदला गया, तो वो क्षेत्रीय हो गए, क्षेत्रफल वाले हो गए। और हमारा छत्र का यानी छत का एक उत्सव होता है, जब भी छत पड़ती है तो उसका उत्सव होता है, वो पाली के अंदर दिया हुआ है, पुरानी हिस्ट्री में लैंग्वेज में है। तो बुद्ध का कोई कास्ट नहीं है, कोई जात नहीं है, वो तो अभी की पैदाइश है 200 300 400 साल की। उससे पहले इतिहास में किसी भी इतिहास में किसी के भी इतिहास में उठा लो, जाति नहीं मिलेगी आपको, है नहीं जाति। जो वर्ण हैं वो भी बाद में बने, वर्ण का मतलब है रंग, एक बिना रंग का है उसको अवर्ण बोलते हैं, अवर्ण का अवर्ण बन गया, यानी जो सफ़ेद लोग होते थे जिनका रंग नहीं है, और जो रंग वाले होते थे उनको सवर्ण बोलते थे, यानी रंग सहित बोलते थे, तो सवर्ण हो गए। जो काले लोग हैं, जो गेहूं के लोग हैं, वो सवर्ण हो गए। तो दो तरह के लोग थे वो भी, जो तब जब बाहर से सफ़ेद लोग आए तब, वरना तो यहाँ एक ही तरह के लोग थे, सारे सवर्ण वाले थे, सवर्ण लोग थे, बाद में उनको स्वर्ण कहने लगे। तो काले लोग सारे स्वर्ण होते हैं, सफ़ेद लोग अवर्ण होते हैं। तो इसलिए ये जो जानकारी है, इस जानकारी के आधार पर जितने भी भारत में धर्म के मानने वाले लोग हैं या धार्मिक लोग हैं, उनके लिए मुसीबत का समय है, क्योंकि अगर वो धार्मिक लिखवाते हैं तो जात लिखवानी पड़ेगी, और जात लिखवाते हैं तो वो धार्मिक नहीं है। कोई भी आदमी कह देगा अरे तुम कैसे बुद्ध के अनुयायी हो, बुद्ध ने कोई कास्ट सिस्टम नहीं बनाया, कोई कास्ट नहीं, तुम बुद्ध धर्म में धार्मिक हो गए, कास्ट लेके घूमते हो। और अगर नहीं लिखवाएंगे तो आपकी काउंटिंग नहीं होगी कि भारत में कितने लोग हैं जो धार्मिक हैं, जो बुद्धिस्ट हैं। वैसे तो अरबों हैं, यानी 120 करोड़ से ज़्यादा है, मगर अभी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए समय लगेगा। अब पर्चा बनवाने की जहाँ तक बात है कि पर्चा को कैसे बदलवा जाए, कैसे उसमें से ये बात कटे कि भाई हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हमारी कोई जात नहीं है, इसमें ताकत लगानी पड़ेगी, और ताकत के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, और सभी समस्याओं के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए वी द पीपल जैसा जो लोग हैं, जो समर संघ के, वो ये कहते हैं कि भाई सारे तालों की चाबी, मास्टर चाबी इकट्ठा होना है। आप इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर जैसा सेंसस में पर्चा बनाएंगे वैसा पर्चा बनेगा। आप अभी जाति लिखवाते हैं तो बाद में इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बौद्धों की जाति नहीं होती, जैनियों की भी नहीं होती, जो जैन जो लोग होते हैं उनकी भी कोई जाति नहीं होती, क्योंकि महावीर जैन ने कोई जाति नहीं बनाई, उस समय जाति होती नहीं थी। तो उस समय आप कर सकते हैं, और जब तक नहीं करते हैं तो दूसरे पर्चे के अनुसार। तो आपने ये देखना है कि नुकसान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है।
अगर आप बुद्धिस्ट लिखवाते हैं कास्ट के साथ लिखवाते हैं तो नुकसान कम है, और किसी और मजहब में जाते हैं और वहाँ जाके आप लिखवाते हैं कास्ट तो नुकसान ज़्यादा होगा। बाकी आपकी समझदारी है। ये प्रश्न डिबेट का प्रश्न है, इस प्रश्न को जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएंगे हो सकता है समस्या का समाधान लोगों के द्वारा होता है, क्योंकि संविधान जो चलता है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का होता है। लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको बदलवा भी लेंगे, वरना तो फिर इसको ऐसा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। धन्यवाद। Gacchami.